नमस्कार, आप देख रहे हो द पब्लिक मैटर। मैं हूं आपके साथ जीवन बिस्ट। सच वही जो हमने कहा, आज पुलिस लाइन पे हैं, सभागार पे हैं। आज जो मासिक बैठक होती है तो हमारे साथ सर बने हुए। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद जीवन जी। आज जो ये मासिक बैठक थी हमारी हर महीने, जिसमें क्राइम के संबंध में समीक्षा होती है, हमने पिछले महीने में क्या काम किए उसके ऊपर समीक्षा होती है, साथ साथ में अब अगले महीने के अगले दिनों का, एक महीने का हमारा क्या टास्क होगा, क्या हमें और करना है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं। हमने नार्कोटिक्स में अभी तक अच्छा काम किया, ऑपरेशन क्रैकडाउन में अभी, और उसमें ही हम देख रहे हैं कि जो कमियां हम में रह रही है उसको कैसे ठीक करें, और भी जो क्रिमिनल्स है, जो भी मैं कह सकता हूं कि अभी हमारे हत्थे नहीं चढ़े उनके ऊपर हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, उन सब के ऊपर देखा गया। साथ साथ में जो धीरे धीरे ट्रैफिक आजकल मैं देख रहा हूं बढ़ रहा है यहां पर, पार्किंग हालांकि बन गई है, गाड़ियां पार्किंग में नहीं जा रही है, तो पार्किंग का कैसे यूज़ करें और ट्रैफिक स्मूथ कैसे चल सकता है उसके ऊपर इसमें आज हमने डिस्कस किया है। जी सर, हम लोहाघाट में देखें, चंपावत में देखें, ट्रैफिक से रिलेटेड बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। कल ही परसों एक अपडेट भी आया था, धरना प्रदर्शन तक की बात कही गई कि जो व्यापारी हैं जो शॉप के आगे, दुकानों के आगे बाइक लगा दे रहे हैं, कई सारी समस्या हैं, उसको कैसे आप हैंडल करने की क्या टारगेट है? वो ही आज हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया, चूँकि चंपावत में भी और लोहाघाट दोनों जगह पार्किंग कुछ बन चुकी है, कुछ बन भी रही है, तो हमारा पहला टास्क ये है कि जो गाड़ियां लोग यहां पार्क करते हैं, रोड में पार्क करके चले जाते हैं, या तो उनको क्रेन से हटवाएंगे या उनके चालान करेंगे। साथ साथ पहले हम उनको ये बताएंगे जहाँ पार्किंग है पार्किंग में ले जाके पार्क करें, ताकि जो बाज़ार है वो साफ रह सके, और जो कस्टमर आता है किसी दुकानदार का, वो अपना सामान लिया और तुरंत चला जाए वहाँ तक तो ठीक है, उसके लंबा अगर करना है तो उसको पार्किंग में ले जाने के लिए हम कहेंगे। अगर नहीं मानता है, ज़्यादा दिक्कत देता है, तो हम उसके चालान करेंगे। सर, प्लेन से पहाड़ों की तरफ, नशे की तरफ बिल्कुल युवा अग्रसित होते जा रहा है, और इस टाइम पे पिछली बार से इस बार अच्छा रिजल्ट भी है, और फिर भी लगाम सर उसमें थोड़ी सी वीकनेस हो जा रही है। क्या कमियाँ सर, कमजोरी क्या, कहाँ पर कमियाँ रह रही हैं? देखिए, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं। इसमें जो हमें एक चीज़ की आवश्यकता है वो है जन सहयोग का, वो उस अपेक्षा में नहीं मिल पा रहा जितना हम सोच रहे हैं, क्योंकि पब्लिक की तरफ से हमारे पास इनपुट नहीं आता है। संभवतः पब्लिक कई बार डर के या कई अन्य कारणों से वो सामने आना नहीं चाहती है, तो मैं आपके माध्यम से ही ये बताना चाहूँगा कि अगर कोई आदमी किसी के यहाँ मुझे कोई इन्फॉर्मेशन या पुलिस को देना चाहता है, तो निर्भीक होकर 112 में या मुझे सीधे आप इन्फॉर्मेशन दे दें, और उसमें मैं डेफिनेटली 100% उसमें कार्रवाई करूँगा। बाकी हमारी टीम इसमें लगी हुई है, हम और अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये ध्येय, ये लक्ष्य है कि जनपद को यथाशीघ्र नशे के जिए जो मकड़ जाल है उसे बाहर निकालें। जो सूबे के मुख्यमंत्री जी हैं 2025 तक कह रहे हैं कि नशा मुक्त उत्तराखंड या भारत। देखिए जीवन जी, पहले बात तो मैंने आपको बताया थी कि पब्लिक अगर कोई भी सूचना होती है वो मुझे सीधे दे सकते हैं या 112 में दे सकते हैं, उसमें हम डेफिनेटली कार्रवाई करें। इसके अलावा कुछ बच्चे जो नशे में के जाल में आ गए हैं, जो अभी कह सकते हैं कि अभी नए आए हैं, भटक गए एक तरह से, तो उनको एक दिशा में लाने के लिए मेरे DM साहब से भी इसमें बात हुई है, तो इसमें साइकेट्रिक को बुला के उनका हम काउंसलिंग कराएंगे, साथ साथ में नशा मुक्ति केंद्र में उनको भेजने के लिए हम लोग उनके पेरेंट्स को जो सहयोग हो सकता है वो करेंगे। इसके अलावा एक बड़ा नशा मुक्ति केंद्र सरकार के सहयोग से सरकार यहाँ पर कुमायूं में, हल्द्वानी में बना रही है, अगर वो जैसे स्टेब्लिश होता है उससे एक हमें थोड़ा ये बेनिफिट होगा कि जो बच्चे अभी इधर उधर भटक रहे हैं, कोई ढंग का नशा मुक्ति केंद्र नहीं मिल रहा है, तो उनको हम वहाँ भेज पाएंगे, और वो जब ठीक होके आएंगे तो हो सकता है वो अन्य युवाओं को और भी ज़्यादा जागृत कर पाएंगे। जाते जाते लास्ट क्वेश्चन सर, सर कुछ ऐसी जो नशे में जो धंधा कर रहे हैं, नशे से चरस का, इसमें का, इसमें कुछ ज़्यादा सख्ती कोशिश हो जाती तो उससे थोड़ा सा रुकने में? ऑब्वियसली हम लोगों ने काफ़ी सख्ती की। आप देखेंगे पिछले 3 सालों के अगर डेटा देखते हैं, तो हमने स्मैक के जो बरामद की उसे करने में मैं कह सकता हूँ 3 साल में हम लोग 4 से 5 गुना से अधिक के उसमें हमने पकड़ चुके हैं लोगों को भी, और नशे के सामान हमने बरामद किया है, तो कार्रवाई हम कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह हम सफल हुए हैं, अभी और करना बाकी है। इसको करेंगे, जनता का सहयोग मिलेगा तो हम और तेज़ी के साथ इसमें काम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, युवाओं को ऐसे जागरूक करते रहे, बहुत बहुत। थैंक यू जीवन जी, थैंक यू जी। हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हमारे साथ बने हुए थे, शीघ्र वो कह रहे हैं कि जो नशे से लिप्त लोग हैं उनको लिए नशा मुक्ति केंद्र में हम तुरंत उनको भेजेंगे, और थोड़ी कुछ ज़्यादा सख्ती की हम दिखाने की कोशिश करेंगे। और जो सूबे के जो मुख्यमंत्री जी हैं उनका 2025 में कह रहे हैं कि नशा मुक्त उत्तराखंड बनाने की पूरी कोशिश है, उसमें वास्तव में अग्रसित हो रहे हैं, तो एक्शन तो जरूर लिया जा रहा है, लेकिन जो रिजल्ट है उसका पॉजिटिव नहीं आ पा रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन सूरी के साथ मैं जीवन बेस चंपावत। उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर पर नजर डालने के लिए फेसबुक पेज पर द पब्लिक मैटर को फॉलो करें, और यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। इसी तरह देखते रहिए द पब्लिक मैटर। नमस्कार।